तो प्रणीति रेडी हो रही है, अपने घर जा रही है। हाँ घर जा रही है, पन्नो पन्नो घर जा रही है अपने। बाबू रो रही थी, सुनी आई जब बोलने लगी है ना तो चुप होके देखने लगी। कैमरा देखते शांत हो जाती है ना। रेडी हो रही है? हाँ रेडी हो रही है पन्नो, रेडी हो रही है बेटा। अब रोएगी, काजल लगेगा, अब रोएगी रोएगी रोएगी। गुड़िया एक सेकंड एक सेकंड लगा लो लगा लो लगा लो। क्यूटी पाई हो गया हो गया। अब नानी माँ लगाएगी पाउडर लल्ली को, देखो 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 लगा लगा लगा। कितना रोएगी जी, छोड़ दो हमको, छोड़ दो छोड़ दो। पन्नो हम लोग का मन कैसे लगेगा, अब कैसे लगेगा? नहीं जाओ बाबू, हम लोग का मन कैसे लगेगा पन्नो? तो प्रणीति दूध पी रही है और रो भी रही है, हमेशा यही है इसका। लल्ली अभी वन रेडी हो रहा है, विवान अपने घर जा रहा है ना। तो कार्तिक भी हेल्प करता है बेचारा। प्रणीति जा रही है, इसका मन नहीं लगेगा, मन तो किसी का भी नहीं लगेगा ना। कार्तिक एक हाथ में फोन लेके करोगे, फोन को हटा दो पहले। नानी को प्रणाम करो, मौसी को भी, बाबू मौसी को भी, मौसी को भी प्रणाम करो, मौसी को भी बेटा, बाबू मौसी को, मौसी को प्रणाम करो। नहीं करोगे गंदा। लल्ली लल्ली बाय बाय बाबू, बाय पन्ना। सुबह में हम जब स्कूल तो नहीं, हाँ अभी अचानक से हुआ। कितने बजे आए? हमको लगा था तुम लोग का सुबह नंबर दिख रहा है। विवान कल से स्कूल है तुम्हारा? हाँ डेली। हाँ तुम हटो ना बेटा, हम कर दे रहे हैं। तो देखो भाई लोग, मुझे पैसे मिल रहे हैं, देखो देखो पैसे मिल रहे हैं। प्रणीति एक बार मौसी की गोद में आ जाओ, आ जाओ जल्दी, मामा की गोद में है पन्नो। हाँ बाबू बोलो। तेरा शादी होने वाला है, मेरा पैसा? शादी हो जाएगा फिर देंगे पैसा, नानी बंदी है ना अभी। हाँ तो पन्नो बाय मेरी बेटी। पन्नो कितनी खुश है, इसको लग रहा है कहीं घूमने जा रहे हैं। बेटा बेटा घर जा रही हो, देख लो इधर बेटा, घर जा रही हो, घूमने नहीं जा रही हो, घर जा रही हो। कल से विमान डेली स्कूल जाएगा बेचारा। कल जाओगे ना स्कूल कि आराम करोगे? जाओगे? कितना लिखना पड़ता है, 4 घंटे तक पढ़ना पड़ता है। तो मम्मी आज तो प्रणीति चली जाएगी, अब कैसे रहेंगे हम लोग? मन नहीं लगेगा हम लोग का। हाँ नहीं लगता मन। कौन 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 अब क्यों? पन्नो ये पन्नो इधर देख लो, मौसी को बाय बेटा। अच्छा फोन नहीं रहता है, दिन भर तो गेम खेलते हो, चार्ज रहेगा तभी ना। अच्छा अच्छा हम ही लोग कॉल करेंगे। हाँ नानी माँ इमोशनल होते हुए पन्नो को विदा दे रही है, फिर एक दो मंथ बाद तो मिल ही लेंगे हम लोग। नानी माँ करवा चौथ में आएगी ना, फिर एक दो मंथ बाद तो मिलना ही है, फिर तो मिलना ही है।
ये आना जाना तो लगा रहता है हम लोग का, है ना बन्नू? आना जाना तो है ही हम लोग को। इसको लग रहा है अभी घूमने जा रहे बेटा, घूमने नहीं जा रही हो, अपने घर जा रही है, अपने घर जा रही है पन्नो, अपने घर जा रही है। नानी को प्रणाम किया बाबू, हमको भी प्रणाम कर लो एक बार और प्लीज। प्रणाम मतलब एक बार कर लो बाबू, कर लो ना प्लीज, करो करो यार, मेरा तो इज्जत ही नहीं है। देखो रोना स्टार्ट, नानी मैं नहीं जा रही ना बेटा, मौसी भी नहीं जा रही है, इसको हाथ पे किसी कर दो नहीं तो बहुत रोएगी। करो करो, बहुत रोएगी ना। कार्तिक करो जल्दी तो बहुत मारेंगे। करो करो किसी को, रहने तो रोने लगेगी। बाबू रोना नहीं, हम लोग नहीं बैठ रहे ना इसलिए रो रही है ना बेटा। जाओ घर जा रही हो, अपने घर जा रही हो। बाय 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 टाटा, सी यू, गुड बाय। बाय जीजू, बाय बाय। अब से ये भी मेरे ब्लॉग्स में नहीं दिखेंगे कुछ दिन। बाय बेटा, बाय 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 पन्नू, बाय पन्नू, बाय बाय बाय। तो सब चला गया हम तीनों को अकेले छोड़ के। तो दी, जीजू, विवान और प्रणीति चले गए आज अपने घर, क्योंकि कल नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पूजा भी करना है इसलिए। तो आज से बिल्कुल भी हम लोग का मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि प्रणीति रहती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आज से बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हैं। तो कोई नहीं, घर तो सबको जाना ही है, एक ना एक दिन कहीं भी घूमने चले जाओ, वापस तो घर ही जाना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी से, पूजा को कुछ सामान लाना है क्योंकि कल नवरात्रि है, आप सबको तो पता ही है, तो उसके लिए कुछ सामान लाना है, मिठाई लेके आना है माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद में। तो अभी मैं अकेले जा रही हूँ, विवान रहता तो विवान साथ में जाता, कार्तिक तो कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता, उसे कहीं भी ले जाना होता तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले जाना होता है, और मेरा मूड बिल्कुल नहीं है उससे ज़बरदस्ती करने का, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ अपनी स्कूटी से। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ सेमन जेस में, क्योंकि मैं दो दिन से आ रही हूँ, मेरा थ्रेडिंग नहीं हो पा रहा, तो आज ट्राई करते हैं, आज भीड़ नहीं होगा तो करा के जाएंगे, क्योंकि कल से नवरात्रि हो जाएगा तो फिर 10 दिन तक कुछ नहीं बना सकते हैं, ना बाल कट करा सकते हैं ना थ्रेडिंग करा सकते। तो मैम बोली आज फाइनली मेरा थ्रेडिंग हो जाएगा। मैं उनको बोली दो दिन से लगातार आ रही हूँ, तो बोली नहीं आज हो जाएगा, आज भीड़ नहीं है, तो चलिए थ्रेडिंग करा लेते हैं। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए, तो करा लेते हैं। तो मैंने थ्रेडिंग करा लिया है, तो चलिए अब ले लेते हैं पूजा का सामान। तो अभी हम आ चुके हैं किराना शॉप पे सामान लेने, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो माता के लिए चुंदरी लेना है, यहाँ पे मिल रहे हैं सारे, तो ये वाला ले लेते हैं क्योंकि बड़ा सा, मम्मी बोली लाने के लिए। एक माला भी चाहिए। वो वाला दे लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं पूजा का सामान लेके, तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पास्ता की रेसिपी। तो मुझे एक दो कमेंट आया था कि प्लीज़ कुछ रेसिपी भी शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा कि उन्हें पास्ता का रेसिपी शेयर किया जाए, तो चलिए पास्ता बना लेते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 3 पैकेट पास्ता, मैं यहाँ 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो 10 रुपये वाले 3 पैकेट लिया है। पानी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, ताकि पास्ता एक दूसरे में चिपके ना, और इन सबको मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें डाल देंगे पास्ता, ध्यान रखिएगा पानी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, ताकि पास्ता का कलर बहुत ही अच्छा आए। तो ध्यान रखिएगा पास्ता को ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है।
पास्ता को हम 80-90% ही कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे। तो इसे चेक करने के लिए पास्ता को बाहर निकालेंगे और ध्यान रखिएगा पास्ता थोड़ा गर्म होता है, तो हाथों से छू के देखेंगे तो ये बिल्कुल रेडी है। तो वापस से इसे पानी में डाल के गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब मैंने पास्ता को ठंडे पानी से धो के दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, तो अब इसे साइड में रखते हैं और मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें 2 चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सा वेजिटेबल मैंने लिया है। तो मैं यहाँ ली हूँ 4 बड़े बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में मैंने यहाँ लिया 4 मीडियम साइज का टमाटर जिसे बारीक कट कर लिया है। तो तेल गरम होते ही उसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो अब इसमें डाल देंगे प्याज और इन सबको मिक्स करेंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, तो जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें डाल देंगे टमाटर और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इन सबको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, साथ में इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ लिया 2 पैकेट पास्ता मसाला। तो इन सबको भी डाल दूंगी इसमें और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मुझे यहाँ पैन चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि पास्ता ज़्यादा है और कढ़ाई छोटा पड़ गया था, इसलिए मैं यहाँ बड़ा कढ़ाई ले रही हूँ। तो इन सबको इसमें डाल देंगे और हल्का और फ्राई करेंगे। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें डाल देंगे पास्ता। और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारे पास्ता में मसाला अच्छे से लग जाए। और आप चाहें तो इसमें टोमेटो सॉस भी ऊपर से डाल सकते हैं। मुझे टोमेटो सॉस पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। जब सर्व करती हूँ तो प्लेट में अलग से सबको सॉस सर्व कर देती हूँ। तो पास्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।